आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने यहाँ पे 10.1.2 में फंक्शंस देखे थे, 15 फंक्शन। प्रीवियस में हमने यहाँ पे 7 मॉडल्स देखे थे, यानी कि 7 पॉइंट्स जो थी इनकी हमने देखी थी। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में 8 पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ एसेंशियल टू प्लेस प्रोडक्ट इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इट बिकेम्स नेसेसरी टू बिल्ड द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डिमांड। दिस रिजल्ट इन द नीड फॉर स्टोरिंग। While storing, it becomes necessary to maintain the quality of the product. Storage makes movement of product easier and helps in availability of product in the market. यानी कि storage, यानी कि हमारे पास अगर product आ रहा है, अगर हमें sell करना है, तो उसकी storage भी formation हमें create करनी पड़ेगी। अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि product को हम यहाँ पर अच्छी जगह पर place कर रहे हैं market के basis के ऊपर। जितनी demand है उतना product हमारा बाहर जा रहा है। इसके अलावा ये देखना भी ज़रूरी होता है कि जो balance है demand और supply के बीच में वो बरकरार रहे। Production जो है वो future में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कर तो सकते हैं, लेकिन उसको स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि स्टोरेज भी हमारे पास प्रॉपरली प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि उनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। स्टोरेज एक मोमेंट है जो प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा ईजियर और हेल्पफुल होता है अवेलेबिलिटी मार्केट में दिखाने के लिए। अगर हमारा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में बाहर है मार्केट में, तो हमारे पास अगर स्टोरेज होगी तो हम उतनी सप्लाई भी प्रोवाइड कर पाएंगे। 9th में दिया हुआ ट्रांसपोर्ट सर्विस। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर यूज टू एंश्योर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनेबल फिनिशिंग गुड्स टू रीच द कंज्यूमर। द मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टेक प्लेस थ्रू द रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कार इन कंटेनर्स। यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी उसके अलावा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें रॉ मटेरियल हो गया, फिनिशिंग गुड को सप्लाई करने के लिए कंज्यूमर तक हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं। कौन सा भी वे यहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई रोडवे भी यूज़ करते हैं, रेलवे हो गए, वाटरवे हो गए, एयरवे हो गए। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने कार्स को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाती है, कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। 10th हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेक इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है। इन प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ रिस्क राइजेस बाय स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक थेफ्ट, फायर, डिकॉट, लॉस ड्यू टू रोड्स, सिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वाटर एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंश्योर अगेंस्ट सच रिस्क। मॉडर्न प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइक फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, रिसॉर्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। यानी कि हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एश्योरिटी के लिए और बढ़ाने के लिए, हम अगर हमारा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या हमें उसका डर रहता है कि वो चोरी वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हैं। हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, ताकि चोरी का डर, आग लगने का नुकसान हो गया, या कोई लॉस वगैरह हो गया, या प्रोडक्ट्स वगैरह डूब गए, ऐसे कोई चीज़ अगर होती है तो हमारे पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो हम यहाँ पे जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो दोनों टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि आग लगने की वजह से कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होते हैं, एक्सीडेंट में हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, मराइन इंश्योरेंस होता है, रिसॉर्ट इंश्योरेंस होता है। तो ये सारी इंश्योरेंस हमारे प्रोडक्ट की अकरंग की जाती है। 11th हमें यहाँ पर दिया है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फॉर आवर एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केट मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल हैज़ टू बी अरेंज। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो मार्केट मैनेजमेंट इन्हें भी देखा जाता है। टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट्स वी प्लान्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि हमारी नीड को और भी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अकर करते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन ऑन हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर। यानी कि यह हमें ये बात फैसला दिलाता है कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए, फॉर विच मार्केट एक्टिविटी, कौन सी मार्केट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए, कब चाहिए होगा। तो ये सारे जो है सीजनल प्रोडक्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ये भी हमें सारी चीज़ें फाइनेंस अरेंजमेंट से हो सकती है, जो हम पहले ही एडवांस में कर देते हैं। मार्केटिंग मैनेजर मेन ड्यूटीज़ आर टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम और ऑर्गेनाइज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिस्ट्रीब्यूट चैनल्स, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, एंड टू सिंक्रोनाइज ऑल दिस एक्टिविटी। यानी कि इसके अलावा और बहुत सारी ड्यूटी आ जाती है, उसके एडवर्टाइजमेंट करना, उसको अलग अलग चैनल्स पर दिखाना, उसको यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगाना, उसके लिए मार्केट रिसर्च करना। तो हर एक चीज़ एक्टिविटी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू देखनी पड़ती है कि हमारा बजट कितना
करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेड डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो किसके ऊपर होती है, डिमांड कितनी है और अवेलेबल फाइनेंस हमारे पास कितने हैं। द प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मार्केटिंग डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कॉम्पिटिटर एट द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया। यानी कि हमारा जो प्रोसेस होता है, फंक्शन प्रोसेस होता है मार्केट का, किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है, किस तरीके से कॉम्पिटिशन में आ रहा है, किस तरीके से ये मीडिया को इफेक्ट लेस भी ला सकता है। एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड क्रिएटिंग डिमांड ऑफ फॉर प्रोडक्ट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है, एक डिमांड क्रिएट करता है प्रोडक्ट के लिए। दिस इज़ द रीज़न वाई आफ्टर एडवर्टाइजिंग द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, यानी कि यही एक रीज़न है डिमांड कम, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में आना। इन मोस्ट केसेस लोकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्रूव्स टू बी मोर इफेक्टिव। अब लोकल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 13 MI पे दिया हुआ है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम किस तरीके से किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल दैट प्रोडक्ट मस्ट रीच टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्लेसेस स्पीडली एंड इकोनॉमिकली। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुँचे, स्पीडली पहुँचे और इकोनॉमिकली पहुँचे, फॉर विच अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ नेसेसरी। अब इसके लिए हम यहाँ पे कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि कुछ लोगों को उस चीज़ के लिए रखें ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। इन मोस्ट केसेस प्रोड्यूसर अरेंज दिस टू एंड सेंट्रलाइजेड एजेंसी फॉर दर एंटायर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेल्स। अब इसके लिए हम एजेंट्स के थ्रू ये काम किए जाते हैं, यानी कि उन्हें असाइन किया जाता है वर्क कि हम अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल में डालें। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्रिएटेड। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट जो सिस्टम है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया जाता है। इफ़ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई एंड कंटिन्यूज इन नेचर दैन ऑल द मेथड्स आर अडोप्टेड सेमिटिसली, यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट डिमांड में है और काफ़ी ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स है वो अपनाए जाते हैं। इन द डिस्ट्रीब्यूशन से इट इज नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट मस्ट रीच टू द होलसेलर एंड रिटेलर ऑन टाइम। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि होलसेलर के पास पहुँचना चाहिए, रिटेलिंग टाइमिंग पर पहुँचना चाहिए। इन सम केसेस प्रोड्यूसर आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन की प्लेसेस पे ही उन्हें बेचा जाए। 14 हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग, सेलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन अ मार्केट मैनेजमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज़ हैंड ओवर टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सेलिंग जैसे कि हमें पता ही है कि हम मार्केट मैनेजमेंट किस तरीके से चलाया जाता है कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बदले पैसे दे रहे हैं। द रोल ऑफ मिडल मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेलिंग फंक्शन, यानी कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए मिडल मैन का जो वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोर अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर कैन जनरेट मोर सेल्स, यानी कि जो उसके प्रति एकदम से लगा हुआ है तो मोर अग्रेसिव अगर होगा तो हमारा प्रोडक्ट और अच्छे से बिकेगा। वेरी ऑफन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, अभी क्या करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर को वो चीज़ बेचते हैं। पर्सनल सेलिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द सेलिंग, पर्सनली चीज़ों को सेलिंग करना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। 15 हमें यहाँ पे दिया हुआ लास्ट, आफ्टर सेल सर्विस मार्केटिंग डज नॉट एंड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बट इंक्लूडिंग अ गेट अ परमानेंट एंड हैप्पी कस्टमर, लिसन कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रिपेयर प्रोडक्ट। यानी कि सिर्फ बेचकर प्रोडक्ट को बेच देना उतना ही यहाँ पे काम नहीं होता है, उसके अलावा प्रोडक्ट लेते हुए हमारा जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो हैप्पी होना चाहिए, उनकी कंप्लेंट सुननी चाहिए हमें कि वो क्या कहना आ जाता है। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके हमें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या प्रोडक्ट को रिपेयर करके देना चाहिए। फॉर सर्टन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज़ टू बी डन एट द रेजिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हमें जब हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तभी हमें उसे डेमोन्स्ट्रेशन वो प्रोडक्ट के लिए दिखा देना चाहिए। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एयर कंडीशनर, टेलीविजन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, टेक्निकल नॉलेज इज एसेंशियल एंड इन अरेंजमेंट फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज टू बी डन फॉर विच अ नेटवर्क शुड बी क्रिएटेड। जैसे कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, जैसे कि एयर कंडीशनर वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर ग्राइंडर वगैरह हो गया, तो इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जब यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं सेल तो उसके बाद भी हमें एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिक गया है लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उन्हें वो उस प्लेस पर जाकर सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 15 पॉइंट्स कम्प्लीट हुए।